नमस्कार दोस्तों, मैं अमित स्वागत करता हूं आपका इस आपके अपने चैनल पर। तो जैसे कि आप सबको पता ही है कि मैं आप सबको सिर्फ 30 दिन में बासुर का कोर्स करवा रहा हूं और इसी कड़ी में मैं अभी तक आप सबको बहुत ही महत्वपूर्ण लेसन्स दे चुका हूं। और आज का मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ ये आप सबकी रिक्वेस्ट पर बना रहा हूँ। बहुत सारे लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट किया कि थोड़ा बांसुरी में ब्लोइंग कैसे करें, इस पर डिटेल से एक वीडियो बनाएं। तो मैं कोशिश करूँगा कि इसमें मैं आप सबको और अच्छे से समझा पाऊँ, ठीक है। पहले भी मैंने इस पर वीडियो बना रखी है तो कुछ लोगों को उसमें इतना क्लियर समझ में नहीं आया, तो मैं आप सबको समझाने के लिए ही यहाँ बैठा हूँ। तो आज की कड़ी में मैं आप सबको फिर से दोबारा से समझाऊंगा कि किस प्रकार से बांसुरी में ब्लोइंग करें, ठीक है, सही से ब्लोइंग कैसे करें। इसमें मैं कोशिश करूंगा कि आपका 100% तक जितना भी आप को शक है वो सब दूर हो सके और आप पूरा 100% तक बजाना सीख जाओ। तो ठीक है, इस प्रकार से बांसुरी की बनावट होती है, ये आप सबको पता है। ये 6 होल प्लेइंग होल होते हैं और ये 1 होल ब्लोइंग होल होता है, ठीक है। इससे आप फूक मारते हैं, इनको आप प्ले करते हैं, उंगलियों से बजाते हैं। तो सबसे पहले इनका तो कोई काम नहीं है। जब आप शुरू करोगे तो सबसे पहले आपको बांसुरी इस प्रकार पकड़नी है, ठीक है, बराबर से, ठीक है। ये पकड़ी आपने बांसुरी और तब कहाँ पे रखनी है, तो सेंटर में, किसके, ये जो नाक के नीचे धार बनी होती है, ठीक है, ठीक इसी धार के नीचे, ये वहाँ पर आपने ये बांसुरी का सेंटर रखना है, ठीक है। ये बांसुरी का लोंगो रखना, कैसे, ये आपको दिख रहा होगा ऐसे, ठीक है, उसके नीचे। अब कितना ऊपर नीचे करना है, ये बिल्कुल सेंटर में। अगर मैं तुमको एक एग्जांपल से समझाऊं तो ये जैसे ढक्कन होता है, हम इससे सीटी मारते हैं, बचपन में मारा करते थे, देखे जैसे हम क्लास में होते थे तो कैसे, ठीक सारी हवा इसके अंदर जानी चाहिए, ठीक है। अभी तो मैं भूल भी गया, तो यही चीज़ बांसुरी में भी है, बिल्कुल सेम टू सेम यही है। अब बांसुरी में एक चीज़, ये चीज़ तो क्लियर हो गई कि कहाँ पर रखना है, ठीक है, यहाँ पर रखना है। अब उसके बाद एक और चीज़ है कि एक तो वह ऐसे, ठीक है, नॉर्मल, और थोड़ा से इसमें अब क्या करना है, थोड़ा इसको प्रेस करना है, होंठ को थोड़ा सा दबाना है, ठीक है, थोड़ा प्रेस करके अंदर को, जबकि जो ऊपर की हवा है जो सीधे इसी के अंदर गिरे, ठीक है। तो हवा जो सीधे ऊपर से बहुत कम है, शायद यहाँ से दिख भी नहीं रहा होगा, लेकिन बहुत ही कम, मतलब इतना मुंह खोलना है कि जितने से सारी हवा इसके अंदर जा सके, ठीक है, इससे थोड़ा सा भी बाहर नहीं आनी चाहिए। आती है शुरुआत में, आती है, ठीक है, कई कई तो बड़े जब वो स्टेज तक भी पहुँच जाते तभी भी उनके मुँह से बहुत फूकी आवाज़ आती है, ठीक है। तो इस चीज़ को क्लियर आप कर सकते हो, ये चीज़ें होती हैं जब आप छोटी बांसुरी का रियाज करो तब जाके ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। जैसे मैं अलग अलग बांसुरी पे बजा करके दिखाता हूँ, तो इसमें थोड़ा नॉर्थ सरल है फूक मारना, कितना, क्योंकि इसका डायमीटर बड़ा होता है और मुंह से भी शुरुआत में पहले बड़ा होल ही बनता है हर किसी का। तो आप चाहो, अगर आपके पास बड़ी बांसुरी है तो उस पर आप ब्लोइंग करना सीख सकते हो, ठीक है। वैसे इसमें थोड़ा आसान होता है, अब जैसे और छोटी फ्लूट रहे तो उसमें थोड़ा और दिक्कत आती है ब्लोइंग में, ठीक है। तो आपने जैसे ये चीज़ तो आपने क्लियर कर ली कि अगर आपको थोड़ा और आसानी से सीखना है तो बड़ी फ्लूट अगर आपके पास है तो उसमें ब्लोइंग करोगे तो वो आसान रहेगा, और छोटी फ्लूट में करोगे तो वो थोड़ा कठिन हो जाता है, ठीक है। लेकिन ये नॉर्मल फ्लूट है, ना छोटी है बड़ी है, तो इसमें आप सीख सकते हो, ठीक है, सी शार्प में आप सीख सकते हो, ठीक है। तो अब बारी आ गई, दो चीज़ तो क्लियर हो गई, ठीक है। अब ये एक चीज़ और है कि इसको इधर उधर भी नहीं करना, ठीक है। शुरुआत में जब आप बिल्कुल शुरू कर रहे हो तब एक बार आप जरूर देखना कि कहाँ पे आपका हिसाब किताब बैठता है, कहाँ पर आपका होठ है, क्योंकि हर किसी का होठ का टेक्सचर कुछ अलग होता है, ठीक है। यही चीज़ें मैं उंगलियों के रखने के लिए भी बोलता हूँ कि हर आदमी एक ही तरह से फ्लूट नहीं पकड़ सकता। मैं अपना तरीका नहीं बताता कि आप भी ऐसे ही पकड़ो, लेकिन हाँ, कोई मुझे फॉलो कर रहा है तो वो ज़्यादातर मेरा ही तरीका फॉलो करेगा कि ऐसे बांसुरी पकड़ते हैं, लेकिन वो इसी बांसुरी की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। इसी की जगह अगर और छोटी बांसुरी आ गई तो उसका ऐसे पकड़ते हैं, अगर बड़ी आ गई तो उसका कुछ अलग टेक्सचर है। जैसे बड़ी वाली बांसुरी आ गई तो फिर मैं यहाँ पकड़ रहा हूँ,
ठीक है। तो बांसुरी का मैं आपको प्रॉपर नहीं बता सकता कि भाई कैसे पकड़ो, ये आपका जहाँ पे आपको कंफर्टेबल लगे वहाँ पे आप बांसुरी पकड़ सकते हो। ये तो पकड़ने का तरीका, वैसे ही ब्लोइंग का भी है, ठीक है। किसी के होंठ का टेक्सचर अलग होता है, किसी का अलग होता है, लेकिन नॉर्मल चीज़ जो है वो आपने इसके सेंटर में रखनी है, ठीक है। अब कई लोग मैंने देखे हैं कि जो यहाँ से फूंक छोड़ते हैं, ठीक है, और वो भी बहुत बड़े लेवल पर बजाते हैं। तो यही है, जहाँ पर आपको आदत पड़ गई वहीं पे आपका सेट हो गया। तो जहाँ पर आपको कंफर्टेबल लगी वहाँ पर, लेकिन नॉर्मल तरीका है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसके सेंटर में आपने बांसुरी रखी, ठीक, ये। अब ना ये ज़्यादा अंदर ना बाहर, एक बार मैं कोशिश करता हूँ अंदर बाहर करने की, आपको पता लग जाएगा कि क्या होगा, गड़बड़ हो गया। अगर आपने थोड़ा सा भी अंदर किया तो कितना फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। ठीक है, अब ये चीज़ें बहुत आगे जा कर के आपके बहुत काम आएंगी। ये चीज़ें असल में मैं जो ये बजा रहा हूँ, ये पास है और माँ तक का जाने का मीन है, गमक है। अभी अभी बताऊँगा मैं ये सारी चीज़ें जब आप एडवांस लेवल पर पहुँच जाओगे, ठीक है। ठीक, ये चीज़ें तो अलग है, ठीक है, लेकिन मैं सिंपल आपको बता रहा हूँ कि किस प्रकार से आपने बांसुरी में फूंक मारनी है। तो ये आपने रख दिया, शुरुआत में आपकी फूंक बिल्कुल भी नहीं आएगी, जैसे ऐसे होगा आपके साथ। वो इसलिए होगा कि आपको फूंक पे कंट्रोल नहीं है, कई बार आप तेज फूंक मार देते, कभी अगर कम मारोगे तो ऐसी आवाज आती है। तो ये आवाजें कोई दिक्कत नहीं है, अगर किसी किसी को तो मैं दो दो दिन में सिखा पाता हूँ कि भाई ऐसे फूंक मारो, वो भी मुंह के सामने। तो अगर आपको वीडियो को देख करके भी अगर 4-5 दिन लग भी जाए तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, ठीक है। और कोई ये होता है कि कोई 2 मिनट में सीख जाता है, ठीक है, तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। और ये मत समझना आप कि फ्लोट नहीं सीख सकते, बहुत ही आसान है, ठीक है। एक बार मैं और बता देता हूँ, ये रखा आपने फ्लोट, अब तो आगे पीछे करके भी देखना है आपने, ठीक है, जहाँ पर आपकी हवा आ जाए। और इसको मैंने बता दिया कितना खोलना है, इतना उतना ही खोलना है जितना आप ढक्कन में सीटी मारते वक्त करते हैं, ठीक है, उतना ही बांसुरी में। और थोड़ा प्रेस करके थोड़ा दबाना है। अगर मैं नॉर्मल लगाऊंगा तो आवाज़ नहीं आएगी, देखो, फिर मैं प्रेस करूंगा तब देखना। तो ये अंतर समझ में आ गया होगा, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हैं, वैसे यही चीज़ें कम नहीं है, लेकिन शुरुआत में जब आप सीखोगे तब आपको ये 2 चीज़ों का तो बहुत ध्यान रखना है, एक ये, फिर बाद में जब फूंक मारना आ जाएगा फिर आप तब ये बांसुरी पकड़ना, ठीक है, और तब कोशिश करना कैसे, तभी 3 होल बंद करके तब ये करने की कोशिश। ठीक है, और कोशिश करना, पूरी सांस लो, कोशिश करना जब आपकी आवाज़ आ जाए। और सिंपल पहले इसी पे ये 3 स्वर बंद किए, उसके बाद जितना सांस है उतना देर तक, जितना सांस है आप तब तक इसको बजाने की कोशिश करना, ठीक है। मतलब ये वही चीज हुई कि आदमी को जब एक बार करते करते छप जाता है फूंक मारने की, फूंक मारना जब उसको आ गया, तो फिर वो यहाँ कुछ भी बजाए, बांसुरी को टेढ़ा करे, फिर भी उसकी आवाज आएगी फूंक। तो वही चीज है, तो आपने सबसे पहले 2-3 दिन तक तो आपने यही करना है, ठीक है, ऐसे बांसुरी की। ये डायमीटर बहुत छोटा, बहुत ही छोटा, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें लगभग आपको पता चल गई होगी कि आपने कैसे इस मुंह को बनाना है, कैसे बांसुरी को ऐसे पकड़ना है, ठीक है, थोड़ा प्रेस करना है, ये 3-4 चीज़ें, थोड़ा प्रेस करना है अब होंठ को, उसके बाद ठीक ऊपर वाले होंठ के नीचे ये बांसुरी का ये होल आना चाहिए,
पीछे वाला होंठ और पीछे चला जाएगा। देखो उतना ही खुला होना चाहिए जितना इसका मुंह है। बड़ी बांसुरी बजाओगे तो उसमें थोड़ा और आसान है, क्योंकि उसका थोड़ा ये छेद बड़ा है और शुरुआत में आपकी हवा थोड़ा ज़्यादा निकलती है, थोड़ा मुंह जरा ज़्यादा बड़ा होता है। फिर आप जितनी छोटी बजाओगे उतना उसमें थोड़ा कठिन पड़ता है बांसुरी को उसमें हवा डालना उसका, क्योंकि उसका ब्लोइंग होल बहुत छोटा होता है, तो उसके हिसाब से अपने मुँह को बनाना थोड़ा कठिन होता है। जब आप थोड़ा सीख जाओगे तब वो आसान होगा, लेकिन शुरुआत में आप इस प्रकार से बजा सकते हो। ठीक है, तो अब मुझे नहीं लगता कि आपको किसी भी प्रकार की कोई शंका होगी, और फिर भी अगर शंका है तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इसमें आप मुझे मैसेज कर देना, मैं कोशिश करूँगा कि उसमें अगर आपका थोड़ा काम बन जाए। ठीक है, और एक और चीज़ है कि अगर कोई मुझसे पर्सनली वीडियो कॉल के द्वारा व्हाट्सअप में मुझसे क्लास लेना चाहता है तो वो भी मुझसे संपर्क कर सकता है। ठीक है, तो ठीक है, आप लगातार रियाज करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।